देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के वीर शहीद सपूतों की याद में संपूर्ण देश में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर शासकीय निम शासकीय कार्यालयों में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इस आयोजन के तहत सावनेर पुलिस स्टेशन व सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के संयुक्त प्रयासों से संपर्क खलाटे उप विभागीय अधिकारी सावनेर की अध्यक्षता तथा मलिक वीरानी तहसीलदार सावनेर, रविन्द्र मानकर थानेदार सावनेर, किशोर ढूंढेले अध्यक्ष सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ, उत्तम कासे वरिष्ठ शिवसैनिक, रामराम मोवाड़े जिला अध्यक्ष नगर विकास आघाड़ी आदि मान्यवरों की प्रमुख उपस्थिति में पुलिस स्टेशन के परिसर में वृक्षारोपण आयोजित कर करीब 100 पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर अध्यक्ष विचार रखते हुए उप विभागीय अधिकारी संपर्क खलाते ने कहा कि भारत देश 1947 को आजाद हुआ, तभी से देश को आत्मनिर्भर तथा विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में हर देशवासियों को अपना योगदान देना चाहिए। गुलामी की मानसिकता छोड़ देश की समृद्ध विरासत को गौरवान्वित करने का अनुरोध किया। वही तहसीलदार मलिक वीरानी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि देश के नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है कि वे अपने देश की सार्वभौम एकता और अखंडता टिकाए रखने हेतु इसके लिए देश के नागरिक के रूप में सभी ने अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, ऐसे विचार व्यक्त किए। वही थानेदार रविन्द्र मानकर ने मेरी माटी मेरा देश इस आयोजन के तहत सावनेर पुलिस द्वारा किए जा रहे मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, पंचप्राण प्रतिज्ञा, वृक्षारोपण, हेल्थ चेकअप, युवाओं तथा छात्राओं को मार्गदर्शन आदि के साथ साथ सावनेर पुलिस स्टेशन में सेल्फी पॉइंट आदि की जानकारी दी। आयोजन में सावनेर तालुका मराठी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष तथा पूर्व नगर सेवक नीलेश पटेल, सचिव लक्ष्मीकांत ड्यूटे, सहायक थानेदार शरद भस्मे, शिवाजी नागवे, विक्की लोखंडे, सावनेर पुलिस स्टेशन अंतर्गत के सभी ग्रामों के पुलिस पाटिल, सावनेर थाना अंतर्गत के सभी कर्मचारी अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आयोजन का संचालन सहायक महिला थानेदार मंगला मुकाशरे तो आभार खुफिया विभाग के हवालदार सुनील तलमल ने माना। आयोजन के सफलतार्थ यातायात हवालदार सुभाष रुटे, किशोर राठौड़, अंकुश शास्त्री, विशाल बर्दे, हवालदार राजू कड़ू, प्रीतम पारदी आदि ने परिश्रम लिया। या वर्षी देखील 9 ऑगस्ट दिनांक 9 ऑगस्ट ते 14 ऑगस्ट या कालावधी मध्ये मेरी माटी मेरा देश या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे विविध कार्यालयांच्या वतीने। त्याच्यामध्ये शासनानं जे काय दिशानिर्देश दिलेले आहे त्याच्या अनुषंगानं प्रत्येक कार्यालय हे कार्यक्रम साजरं करत असते। आणि सर्वांना माहिती आहे की प्रत्येक कार्यालयामध्ये पंचप्रेमची शपथ घेण्यात आली। त्याच्यामध्ये आता काही ठिकाणी आपल्याला जसं अमृत सरोवर आहे त्या ठिकाणी जे आपले स्वातंत्र्यसैनिक आहेत किंवा ज्यांना आपण शहीद सैनिक म्हणतो त्यांचे आपल्याला शिलालेख लावायचे आहे। काही ठिकाणी तसेच ध्वजारोहण करायचं आहे, वृक्षारोपण करायचं आहे, अशा विविध प्रकारच्या कार्यक्रमाचं आयोजन हे शासनानं एक उद्दिष्ट म्हणण्यापेक्षा आपण एक देशाचा स्वाभिमान राखता यावा, आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याबद्दल आपल्याला अवगत व्हावं हा म्हणून हे येत आहे की या सर्व कार्यक्रमामध्ये सर्व नागरिकांनी देखील सहभागी व्हायचा आहे। आणि हा जो आपला कार्यक्रम आहे मेरी माटी मेरा देश हा यशस्वी होईल, ज्यांना स्वातंत्र्याचा उजाळा मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न करायचा आहे। धन्यवाद। बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।